In this video, we will discuss and revise the chapter 15th of class 12th physics, that is communication system. So chapter ये भी बहुत simple है, इसमें जो ज़्यादा part है वो theory वाला part है, मतलब definition और question answer. Numerical part मतलब मुश्किल से दो तीन numerical हैं, वो भी एक ही formula पे. जो उसमें सबसे important topics हैं, वो है हमारे modulation, demodulation और types of mode of propagation. और जो उसमें जो सबसे important है, जहाँ से question पक्का आता है, वो है हमारे block diagrams. So let's start. सबसे पहले क्वेश्चन आता है इसमें, व्हाट इज कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम है क्या, उसकी डेफिनेशन जो है, अ सिस्टम बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस एंड रिसीव्ड एट अदर प्लेस इज नोन एज कम्युनिकेशन सिस्टम. इट हैज ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन चैनल एंड रिसीवर. मतलब अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी डाटा है, अगर हम उसे वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर करें, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम. इसमें हमारे पास तीन मेन पार्ट होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के, जो कि है ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन चैनल एंड रिसीवर. सबका अपना अपना एक फंक्शन होता है, जिसे ट्रांसमीटर का फंक्शन होता है कि जो हमारे पास सिग्नल है उसको ट्रांसमिट करना, और कम्युनिकेशन चैनल का मतलब होता है कि जो सिग्नल है उसको ट्रांसमीटर से रिसीवर तक लेके जाना, मतलब फिजिकल पाथ बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. फिर रिसीवर का मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन का जो भी सोर्स था, उसको जो यूज़ करेगा, जो उसको डिकोड करके, मतलब जिसके पास इन्फॉर्मेशन जाएगी, वो होगा हमारा रिसीवर. फिर नेक्स्ट आता है इसमें इम्पोर्टेंट है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन. मतलब इसमें जो हमारी मॉडर्न कम्युनिकेशन है, उसको हमने एक ब्लॉक डायग्राम में शो किया हुआ है. जैसे पहले जो कम्युनिकेशन होती थी, वो तो मतलब कबूतरों से या फिर कोई मतलब ऐसी चिट्ठी लेके जाते थे. फिर हमारा ऐसी एडवांसमेंट होती थी, तो हमारी नई आई एक मॉडर्न कम्युनिकेशन, जिसमें है सबसे पहले होता है हमारा, सबसे पहला जो बॉक्स है वो है इन्फॉर्मेशन सोर्स का. मतलब कोई इन्फॉर्मेशन होगी, उसका ही हम ट्रांसमिशन करेंगे. फिर सेकेंड आता है हमारा ट्रांसमीटर. ट्रांसमीटर में क्या होता है, जैसे कि अगर कोई फोन पे बात कर रहा है, तो जो वो बोल रहा है वो तो है ऑडियो सिग्नल्स, लेकिन जो फोन सेंड कर रहा है वो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. तो जो ऑडियो सिग्नल्स है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करना, वो काम करता है हमारा ट्रांसमीटर. फिर जो ट्रांसमीटर है, उसके बाद आता है हमारा चैनल, मतलब कि कम्युनिकेशन चैनल, ट्रांसमिशन चैनल. उसमें होता है कि ये हमारा एक फिजिकल पाथ होता है बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. मतलब कि अगर कोई यहाँ से बोल रहा है और थोड़ी दूर पर कोई उसको सुन रहा है, उनके बीच में जो एयर है वो काम करेगी एज अ ट्रांसमिशन चैनल. फिर लास्ट वाला ब्लॉक आता है, वो है हमारा रिसीवर का. रिसीवर का मतलब जो भी इंफॉर्मेशन को यूज़ करेगा, वो होगा हमारा रिसीवर. फिर इसमें एक और पॉइंट आता है कि जो हमारा बीच में चैनल होता है, उसमें एक नॉइस मतलब अनवांटेड सिग्नल्स भी अटैच हो जाता है. फिर क्योंकि जो भी मतलब कोई भी बोलेगा, तो उसकी जो सिग्नल है उसमें थोड़ी फेडिंग वेडिंग हो जाएगी, मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी ड्यू टू द इंट्रैक्शन ऑफ अनवांटेड सिग्नल्स, और वो अनवांटेड सिग्नल्स को हम कहते हैं नॉइस. फिर नेक्स्ट आता है इसमें सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड कुछ टर्म्स, इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, उनकी डेफिनेशन. जैसे कि सबसे पहले है सिग्नल, इसकी डेफिनेशन है, इट कन्वेज इन्फॉर्मेशन एज सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ अ टाइम. मतलब सिंपल लैंग्वेज में इसका, इन्फॉर्मेशन फॉर ट्रांसमिशन इज नोन एज सिग्नल. सेकेंड आता है इसमें ट्रांसमीटर, इसका मतलब है इट कंसिस्ट्स ऑफ ट्रांसड्यूसर, मॉड्यूलेटर एंड एंटीनाज. इट कन्वेज द सिग्नल्स इन टू अनदर फॉर्म. मतलब कि जैसे ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करना, वो काम कहाँ पर होता है, ट्रांसमीटर में. फिर आता है इसमें नेक्स्ट रिसीवर. रिसीवर का मतलब है इट्स मेन फंक्शन इज टू डिकोड द ओरिजिनल सिग्नल. मतलब कि जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, जो उसको यूज़ करेगा, वो होगा हमारा रिसीवर. फोर्थ आता है इसमें ट्रांसमिशन चैनल, इसका मतलब है द फिजिकल पाथ बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इज नोन एज ट्रांसमिशन चैनल. मतलब कि दो भी कोई भी पर्सन है या फिर कोई भी डिवाइस है, उनके बीच का फिजिकल पाथ, जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से जो ट्रांसमिट होगी, उसको हम कहेंगे ट्रांसमिशन चैनल. फिर आता है हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन बैंडविड्थ, इसका मतलब है द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज टू पास थ्रू द चैनल इज नोन एज बैंडविड्थ. मतलब कि हम जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, उसकी किस रेंज को यूज़ कर रहे हैं फॉर द ट्रांसमिशन, उस रेंज को हम कहेंगे बैंडविड्थ. फिर इसकी बैंडविड्थ की मदद से हम ये भी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ चैनल्स. ये निकालते हैं, नंबर ऑफ चैनल्स इज इक्वल टू टोटल बैंडविड्थ ऑफ चैनल अपॉन बैंडविड्थ नीडिड पर चैनल. मतलब कि हमें कितने चैनल नीडिड होंगे, अगर हमें अपना सिग्नल यहाँ से ज़्यादा दूर भेजना है, तो हमें ज़्यादा चैनल की ज़रूरत पड़ेगी. फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इसमें नॉइस, इसका मतलब है, इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ एन अनवांटेड सिग्नल विच इज मिक्स
up with the original signal at the transmitter channel. It may be natural or may be artificial. मतलब कि वही कोई unwanted सी मतलब voice अगर हमारे original signal में जुड़ जाए आगे उस पर तो उसको हम कहते हैं noise. ये हमारी natural भी हो सकती है और artificial भी हो सकती है. Natural जैसे कि अगर आज बारिश हो रही है तो बारिश की आवाज़ होगी हमारी natural. और artificial मतलब कोई भी अगर जैसे कोई बोल रहा है और बाहर से कोई बाइक वाइक जा रही है उसका हॉर्न बजता है वो होगी हमारी artificial. नेक्स्ट आती है इसमें ट्रांसड्यूसर मतलब इसकी डेफिनेशन जो कि है इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर इज नोन एज ट्रांसड्यूसर. मतलब फॉर एग्जांपल जैसे माइक्रोफोन ट्रांसड्यूसर है हमारे पास. ये एक ऐसी डिवाइस है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में चेंज करती है. जैसे माइक्रोफोन माइक्रोफोन क्या करता है ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है. और हमारा लाउड स्पीकर भी ऐसी ट्रांसड्यूसर ही है एक तरीके से क्योंकि वो जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको हाई एम्पलीट्यूड करके वो ऑडियो सिग्नल में चेंज करता है. नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इसमें अटेन्यूएशन. इसका मतलब है द लॉस इन द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल ड्यूरिंग इट्स प्रोपोगेशन थ्रू द चैनल इज नोन एज अटेन्यूएशन. मतलब कि जैसे हमारा सिग्नल मतलब कि हमारा जो एक सिग्नल है अगर वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाएगा तो थोड़ी सी तो एनर्जी लूज करेगा तो उसकी जो स्ट्रेंथ है उसमें मतलब लॉस होना उसको हम कहते हैं अटेन्यूएशन. नेक्स्ट आता है हमारा एम्पलीफिकेशन. इसका मतलब है इसकी डेफिनेशन इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिग्नल इज इंक्रीज बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट. मतलब कि हमारे पास कोई भी सिग्नल है अगर वो जाते जाते मतलब अगर या फिर वो पहले लो फ्रीक्वेंसी का है लो एम्पलीट्यूड का है या फिर उसकी स्ट्रेंथ लूज होगी उसकी अगर हम उसको उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं मतलब उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट उसको हम कहते हैं एम्पलीफिकेशन. इसका आगे चल के बहुत ज़्यादा यूज है मतलब इस चैप्टर में. फिर नेक्स्ट आता है इसमें हमारा डेफिनेशन रेंज. इसका मतलब है द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर अप टू विच सिग्नल कैन बी रिसीव्ड विद सफिशेंट स्ट्रेंथ इज नोन एज रेंज. मतलब कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस मगर मान लो कि अगर कोई हमारा कोई दोस्त फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा है और हमारा नाम पुकारता है तो मतलब हमें बिल्कुल परफेक्ट सुनेगा और वही अगर थर्ड फोर्थ फ्लोर पे चला जाए तो थोड़ा कम कम सुनेगा. तो मतलब इसका रेंज का मतलब है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन जो रिसीवर है और जो ट्रांसमीटर है मतलब जो इन्फॉर्मेशन मतलब प्रोड्यूस कर रहा है और जो उसको यूज़ करेगा उनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस कि उसमें जो सिग्नल है वो अपनी फुल स्ट्रेंथ का हो उसको हम कहते हैं रेंज. फिर आता है हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन बेसबैंड. इसका मतलब है बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटिंग द ओरिजिनल सिग्नल एज इज प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. मतलब कि जो हमारा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो मतलब अगर जब भी सिग्नल को प्रोड्यूस करेगा वो एक फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में होगा तो वो फ्रीक्वेंसी का वो बैंड जो ओरिजिनल सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगा वो होगा हमारा बेस बैंड. फिर आता है हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन रिपीटर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें इसकी डेफिनेशन है इट इज़ अ सेटअप इन विच द इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर एम्पलीफायर एंड ट्रांसमीटर. मतलब कि इसमें है जैसे कि हमारे पास कोई भी सिग्नल है उसको हमें ट्रांसमिट करना है लेकिन जैसे हम उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं हमारे बीच में मतलब पाथ में कोई ऑब्स्टेकल आ गया जैसे कि माउंटेन्स आ गए या फिर बिल्डिंग्स आ गई या फिर कुछ और प्रॉब्लम आ गई तो हम उसको जो सिग्नल है उसको कैसे ट्रांसमिट करें तो उसका जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो है रिपीटर. रिपीटर का मतलब सिंपल लैंग्वेज में जो टावर्स होते हैं टावर्स में एक टावर से दूसरे टावर सारे लिंक होते हैं तो ऐसी जैसे हम फिगर में देख सकते हैं कि जो एक टावर है बीच में हमारा माउंटेन आया हुआ है तो हम डायरेक्ट तो एक वायर ऐसे सिग्नल की वायर नहीं पहुंचा सकते तो हमने रिपीटर्स का यूज करके वायर का कनेक्शन बनाया हुआ है और सिग्नल को अपने ट्रांसमिट कर रखा है. ये होते हैं हमारे रिपीटर्स. फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी मॉड्यूलेशन. ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का. इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ऑन द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल सो डैट इट कैन ट्रेवल लॉन्गर इज नोन एज मॉड्यूलेशन. मतलब कि जो हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसको हम सुपर इम्पोज कर रहे हैं किसी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे ताकि वो दूर तक ट्रैवल कर सके और जल्दी ट्रैवल कर सके. इस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन. जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हमें कहीं पर जाना है और हम घर से चले हम मतलब पैदल जा रहे हैं और पैदल जा रहे हैं तो स्पीड भी हमारी स्लो होगी लेकिन हमारा कोई दोस्त आता है और वो बाइक पे है और वो हमको कहता है कि आओ मेरी बाइक पे बैठ जाओ और हम साथ में जाते हैं तो हम पैदल थे वो थी लो फ्रीक्वेंसी वो बाइक था तो उसकी हाई फ्रीक्वेंसी
सीधी, मतलब उसकी स्पीड तेज ज़्यादा हो सकती है, तो हम उसकी पे सुपर इम्पोज हो गए एक तरीके से, उसकी बाइक पर बैठ गए और वो भी जल्दी चला गया और हम भी जल्दी चले गए। तो मतलब एक तरह से एग्जाम्पल में ये प्रोसेस हो गया हमारा मॉड्यूलेशन का। फिर इसमें जो हमारी लो फ्रिक्वेंसी थी, मतलब जो पैदल वाला था, वो होगा हमारा, उसको हम कहते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और जो हाई फ्रिक्वेंसी थी जो बाइक वाला एग्जाम्पल में, वो होती हमारी कैरियर वेव। और जो दोनों मतलब जब मिक्स हो जाएंगी दोनों, जब हमारी लो फ्रिक्वेंसी है वो हाई फ्रिक्वेंसी पे सुपर इम्पोज हो जाएगी, उसको जो वेव बनेगी उसको हम कहेंगे मॉड्यूलेटेड वेव। फिर नेक्स्ट आता है इसमें हमारा मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन भी आ चुका है इसमें बोर्ड में। पहला है इसमें पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, नाम से ही पता चल रहा है, पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक पर्सन से एक पर्सन तक। जैसे देर इज अ वन ट्रांसमीटर एंड वन रिसीवर, फॉर एग्जांपल टेलीफोन, मतलब कि इसमें एक ही ट्रांसमीटर होगा और एक ही रिसीवर होगा। सेकेंड आता है इसमें पॉइंट टू मैनी कम्युनिकेशन, मतलब कि किसी एक जगह से सारी जगह तक कम्युनिकेशन करना, उसको हम कहेंगे पॉइंट टू मैनी कम्युनिकेशन। देर इज़ वन ट्रांसमीटर एंड मैनी रिसीवर, फॉर एग्जाम्पल टीवी, जैसे टीवी में एक ही ट्रांसमिशन वो होता है, मतलब सिस्टम, वहाँ से कोई रिकॉर्डिंग होती है और मतलब कहीं भी बैठ के उसको टीवी को देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इसमें, नेक्स्ट टॉपिक आता है एंटीना। इसका मतलब है इट इज़ अ डिवाइस विच एक्ट एज एमिटर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट ऑल्सो एक्ट एज द फर्स्ट रिसीवर ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है कि हमारा जो सिग्नल होता है वो ऑल डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है। अब उसको ये तो पता नहीं होता कि मतलब किधर जाना है, तो एक हमारे पास जो एंटीना है वो एक ऐसी डिवाइस है जो उसको मतलब उसको रिसीव करेगी एक तरीके से, जहाँ पर उसको रखना है उसको रिसीव करेगी, इसलिए इसको हम कहते हैं फर्स्ट रिसीवर ऑफ एनर्जी। और जो इन्फॉर्मेशन सोर्स है, मतलब जो रिसीवर है उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। फिर आते हैं इसके टाइप्स। टाइप्स में इसके सिंपली ये मतलब होता तो बहुत टाइप्स का है, मेनली इसके टू पार्ट्स हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला है हर्ज एंटीना, इसका मतलब है इट इज़ अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ इक्वल टू द हाफ ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडियो सिग्नल्स। मतलब कि हमारे पास ये वाला एंटीना वो होता है जिसकी जो ये एक स्ट्रेट कंडक्टर होता है जिसकी जो लेंथ होती है वो हाफ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ रेडियो सिग्नल्स होती है। फिर सेकेंड आता है उसमें मार्कोनी एंटीना, इसका मतलब है इट इज़ ऑल्सो अ स्टेट कंडक्टर ऑफ लेंथ इक्वल टू द 1/4 ऑफ द रेडियो सिग्नल। मतलब कि जो उसमें लेंथ ऑफ एंटीना होगी वो होगी हमारी 1/4 ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडियो सिग्नल्स।